हालेलुया। इस ब्रदर का नाम रघुवीर सिंह है और जी गौरी नगर गांव के रहने वाले, और इनकी गवाही जे इनकी टेस्टामनी हमने पहले भी दी है 22 अगस्त के दिन कि इनकी धान की खेती थी जो इन्होंने बताया था कि इन्होंने कुछ खेती लगाई थी और उसके जो बूटे थे वो सड़ चुके थे। सबसे पहले हम उस गवाही को भी देखते हैं। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम रघुवीर है और जी गौरी नगर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे है कि इनके खेत हैं और इस बार इन्होंने धान की खेती लगाई थी। और जैसे इन्होंने धान की खेती जिनके चोने की खेती लगाई थी जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, तो जी जैसे इन्होंने वो बूटे ऐसे लगाए थे और जी बता रहे कि वो ऐसे जब इन्होंने लगाए तो वो ऐसे बूटे जो थे वो जल चुके थे, वो खराब हो चुके थे और जिसके कारण जी बहुत परेशान थे क्योंकि उसकी जो लवाई थी उसका बहुत सारा खर्चा भी आ गया था जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। और जैसे ही जी ब्रदर ऐसे संगति में आए और लास्ट में जी ब्रदर ऐसे प्रभु के दास जिन्होंने अपनी बात की कैसे हमने धान की खेती लगाई है पर वो सारी ऐसे जो फसल है वो बूटे वो सड़ चुके हैं, तो जैसे प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि आप अपनी खेती में ऐसे चलकर एक क्रूस बनाना है और एक सीधा जाकर और एक ऐसे टेढ़ा रुक और क्रूस बनाना है। और जैसे इन्होंने किया और जब बता रहे कि उससे पहले इन्होंने कोई भी स्प्रे भी नहीं थी की अपनी समझ को अपनी सोच को नहीं लगाया, इससे पहले इन्होंने प्रभु के दास के साथ बात की और जैसे इस वर्ड को इन्होंने किया उस ऐसे क्रूस बनाया तो जो बता रहे कि अभी एक महीना हो चुका है कि इनकी जो खेती है वो पूरी तरह से अच्छे से वो बूटे जो है वो हरे भरे हो चुके हैं और जो बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनके इनको अच्छे से वो इनकी जो खेती है उसको भी बिल्कुल अच्छा रखा है और स्क्वाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करो, तारीफ। अपनी टेस्टामनी 22 अगस्त को दी थी, तुझे बता रहे कि अभी वो खेती इनकी पक चुकी थी और जैसे इन्होंने कटाई की तुझे बता रहे हैं कि इनकी 2 एकड़ की खेती थी और परमेश्वर ने इनको जो 2 एकड़ की खेती थी और उससे 60,000 का जो इनकी धान जिनका जो इनका टोटल 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 कितनी है? 2 एकड़ तो खराब हुए, टोटल आपके पास कितनी जमीन है? दो गले जो 1,20,000। नहीं 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 नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसको बताओ। हाँ, आपकी जमीन कितनी कितने एकड़ है, कितने किले हैं आपके? मेरे 10 किले। 10 किले हैं। हाँ, आप बताओ ऐसे और 10 एकड़ जमीन से जो 2 एकड़ जमीन थी वो 1,20,000। हाँ, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, तो क्या हो, अभी सुने ना आपने इस क्लिप में कि वो पूरे बूटे सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे और ये परेशान थे। 8 किले तो सही थे, 8 एकड़ तो सही थी जमीन, पर जो बाकी 2 थे वो पूरे, और 2 में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना खर्चा लगा होगा, अब बताओ थोड़ा सा। एक एकड़ में जब 1 किले में आप उसकी वाई कर उसकी बजाई करते हो तो कितना खर्च आता है? 15,000 रुपया। माइक की आवाज क्यों कम है? 1 एकड़ का 15,000। उनको पता नहीं, आपको बताना चाहिए कि अगर आवाज कम है माइक पास रखना उसके। ठीक है ठीक है, ओके। 15,000 रुपया उसकी वाई। हाँ जी। और लवाई जो भी लवाई है ना, खर्चा हाँ उसका। हाँ जी। तो अभी 2 एकड़ मतलब 2 किले 30,000 रुपया का नुकसान होना था। हाँ, 30,000 का, अभी मैं आपको 30,000 का नुकसान होना था। और प्लस अब जब वो खेती पक गई, अब इन्होंने उन 2 किलो की किले जो हुआ एकड़ खेती पक चुकी है और उसकी कटाई की, तो कितनी कितनी फसल आपकी निकली उससे? उससे 37 क्विंटल निकली। 37 क्विंटल मतलब उसकी कीमत 1,00,000। 37 क्विंटल से 3,500 रुपया रेट लगा। 1,20,000 दी हुई। 1,20,000 रुपया। हाँ जी। और लोगों वैसे कितना निकलता है, वैसे वैसे 1 किले से कितना निकलता, झाड़ उसका कितना निकलता है? पिछली बारी तो सारा 50,000 रुपया निकले है 2 किलों से। 2 किलों पिछली बार जब इन्होंने भेजा तो 2 किलों से 2 एकड़ से 50,000। हाँ जी। अभी 1,60,000 निकला। हाँ जी, हाँ जी। और वही वही एकड़ वही जमीन। हाँ जी। जो 2 किले खराब हो चुके थे, किले भी वही वही जो जिसके बूटे पूरी तरह सड़ चुके थे। हाँ जी, वही किले। और देखो परमेश्वर, 30,000 वो और दूसरी तरफ डबल आशीष,
दो किले जमीन की आशीष परमेश्वर एक में दे रहा है। क्या दे रहा है? सच में परमेश्वर है कि नहीं है? हाँ, मैं तो हम भी कहना जो बाकी है वो भी 70-70 हज़ार का होना हो जाना वा, तो मैं परमेश्वर की पूरी वडियाई करूंगा, पूरी आदर करूंगा परमेश्वर के नाम से, जो भी कुछ मतलब जो भी ठीक है भाई ठीक करूंगा। हाँ, इनका कहने का अर्थ समझते हो कि मैं विश्वास करता हूं कि उनमें से भी परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दे चुके हैं और मैं उस पैसों से परमेश्वर का आदर कर चुका हूं। क्योंकि परमेश्वर जब देखो, कुछ लोग निर्बुद्धि हैं, कई लोगों का मन धन पर रहता है, पर धन का शैतान नुकसान कर दे वो लोग जर लेते हैं, पर परमेश्वर की महिमा नहीं करते अपने धन से। क्या नहीं करते? शैतान नुकसान कर दे तो वो जर लेंगे, मगर परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे कुछ। आपने मेरी टेस्टामनी सुनी ना, जब शैतान मेरे जीवन में हालात लेकर, आपने सुनते हो ना मैं कैसे करता हूं, क्योंकि मैं पैसों पर नहीं मन लगाता, किस पर मन लगाता हूं, किस पर विश्वास करता हूं, और मैं दूसरों को भी सिखाता हूं, क्योंकि मेरे अगुए ने बोलो, क्योंकि सबसे बड़ा अगुआ हमारा कौन है, बोलो क्या है, सबसे बड़ा अगुआ कौन है हमारा, उस यीशु के लिए हाँ, और इस गवाही के लिए हाँ, जो खुद वो कहता है कि वो खुद वो अगुआ हमारा जो खुद करने और सिखाने लगा। इसलिए मैं भी जो करता हूं दूसरों को सिखाता हूं कि आप करो, परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, जब इन्होंने वैसा किया हाँ, लोग समझ आ रही है, समझ आ रही है, कोई बात नहीं कोई नहीं, बैठाओ बैठाओ आराम से, सुनो सुनो है ना, जब इन्होंने ऐसा किया तो आज परमेश्वर ने क्या किया, ब्लेस किया। इस गवाही के लिए तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, दिल से अपने हाथों को हलाते हुए।